ये देख के तो समझ गए होंगे कि हम लोग ऐसे बैठे हैं तो उसका मतलब क्या है, कुछ बात करनी है आप लोगों से, तभी ऐसे बैठे हैं दोनों मूर्ति बन के। और एक आप लोगों का बहुत बड़ा सवाल है, उसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं उसके ऊपर, डेली आते हैं, जिनका कमेंट का मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो में बात कर लेते हैं। वरना आप लोग अगर उस कमेंट का मैंने जवाब नहीं दिया, उस बात का जवाब नहीं बहुत दिया, लंबी तो कहानी आप बन लोग, जाएगी नहीं वो। आप लोग धरने पे बैठ जाएंगे और प्रोटेस्ट करने लगेंगे कि तो मैं मजाक कर रही हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, तो मैंने कहा चलो इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं कि आप जवाब नहीं देते। कई लोग तो बहुत गुस्सा आ जाते हैं कि जवाब नहीं देती हो, जवाब नहीं देती हो, पूछते रह जाते, जवाब नहीं देती हो, कैसी हो, जवाब नहीं दे रही हो। हाँ, तो बात ये है कि नंदनी जब यहाँ से चली गई थी, नंदनी यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि नंदनी एक साल बीच में नहीं थी, तो आप लोग मुझे डेली कमेंट करते थे कि नंदनी को यहाँ से भगा दिया है, नंदनी को भगा दिया है, नंदनी क्यों चली गई थी, नंदनी को अपने पास क्यों नहीं रखती हो आप, नंदनी क्यों नहीं आई। बहुत सारे कॉमेंट आते थे कि आपने जानबूझ के यहाँ से नंदनी को भगा दिया है। मतलब मैं ऐसे वर्ड यूज कर रही हूँ, ये आपके कमेंट में वर्ड होते हैं, ये मैं यूज करना चाहती हूँ। आपने नंदनी को यहाँ से क्यों भेज दिया, बहुत सेल्फिश है, आपने नंदनी को यहाँ से भेज दिया है। फिर नंदनी जब यहाँ आ गई, तब फिर नंदनी के पीछे पड़ गए कि नंदनी यहाँ क्यों आ गई, नंदनी यहाँ पर क्यों है। वो अभी उसकी एज मेरे इतनी नहीं है, मेरी एज शायद उससे दुगनी है, दुगनी तो नहीं, दुगनी से कम होगी, इतनी भी ज्यादा नहीं है। तो मतलब जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है इस एज में बच्चों के दिमाग में क्या असर पड़ता है, अगर आप किसी बात को लेके, एक बात को लेके उसके पीछे पड़ जाते हो। तो अभी उसका भी वही एज चल रही है कि आप बार बार आप किसी चीज को लेके उसको टोकोगे तो उसे भी बुरा लगेगा, भले वो आप लोगों से कुछ कहे या ना कहे। बात कुछ ऐसी थी कि दिवाली पे हमें, दिवाली पे नहीं सॉरी, दिवाली से पहले घर शिफ्ट करना था, जो कि हमें इमरजेंसी में घर शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारे मकान मालिक से वो ऑर्डर आ गया था। ये देखिए इतने बोलने में सांस फूलने लगी, तभी मैं कह रही हूँ ऐसी बातों में कभी कभी आप बहुत अग्रेसिव हो जाते हो, या बहुत कुछ आपको बोलना पड़ जाता है, कभी कभी मुंह से कुछ ऐसी बातें भी निकल जाती हैं। तो फिर क्या हुआ कि घर शिफ्ट हमें अर्जेंट में करना था। नॉर्मली क्या है, घर शिफ्ट हो रहा होता, बहुत सारी चीजें शिफ्टिंग में ऐसी होती है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आपको घर शिफ्ट करना मालूम है एक बहुत बड़ा काम होता है, और मेरा ऐसा टाइम चल रहा था कि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो मैंने सोचा घर से किसी को हेल्प के लिए बुला लेते हैं, तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो नंदनी अभी आएगी तो घर शिफ्टिंग में वो थोड़ा सा मेरी हेल्प कर देगी, और नंदनी भी घूम जाएगी। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद दिवाली त्योहार आएगा तो नंदनी वापस चली जाएगी, अपने घर पे जाके त्योहार मनाएगी। तो हमने दिवाली का प्लान बनाया था जाने का। तो क्या हुआ कि शिफ्टिंग के बाद में अचानक जब मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, आप लोगों ने देखा था कि वो ऐसे ही सडनली प्रॉब्लम हुई कि जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। मैं तो अंदर से बहुत टूट चुकी थी, हम सब बहुत परेशान हो गए थे। और उसके बाद में फिर डॉक्टर ने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट बताया कि जिससे कि मेरे तो पूरे हाथ पैर बंध गए। मतलब कह नहीं सकती कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम, लोगों को लगता है कि मैं बहुत अरे ना, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो, बोलने दो, जो कोई जो कुछ बोल रहा है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, आराम से हंसी। अरे चुप हो जाओ, तो पूरा बोलने दो, जो कोई जो कुछ बोल रहा है रहने दो, आप इतना परेशान मत हो, बस रो नहीं, ऐसे में रोते रहिए, चुप हो जाओ। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि आपकी बहुत सारी बातों का कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं खुद बात नहीं करना चाहती हूँ। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप कमेंट का जवाब क्यों नहीं देते हो। तो कुछ लोगों के मतलब वो शुरू से ही ऐसे है, या मतलब मेरे को नहीं समझ में आता उनकी प्रॉब्लम ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से मैं कभी कभी कमेंट पढ़ने से बचती हूँ। क्योंकि मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ, इस टाइम पे मेरे वीडियो आप लोग देखे, जिनको पसंद है तो देखे, नहीं देखना है मत देखे, लेकिन उल्टे सीधे कमेंट ना करें। कुछ एक दो नाम मैं ऐसे बता दूं, वो इतने बदतमीज हैं, वो औरत है या आदमी है, बहुत गंदा लिखते हैं। आयान को बहुत गंदा लिख जाते हैं, जो कि अभी बेचारा कुछ जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीन शॉट दिखाऊं, मैं तो इतने याद नहीं रख पाती हूँ, लेकिन उनका रोज का काम है, जैसे मैंने वीडियो डाला उनका रोज का काम है। बहुत बदतमीज, इतने घिरे हुए इंसान है, ना तो उस लड़की को छोड़ते हैं ना उस लड़के को छोड़ते हैं, मेरे तक तो सीमित है। चलो मैं तब भी कि चलो कुछ लोगों को जेलस होती है तो वो लिखते हैं,
हमारा हमारा है ना वहाँ पर कोई भी उन जैसे वो कमेंट आते हैं ना उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है ना, मेरा जैसा वो लिखते हैं ना वैसी चीज में मेरा कोई सोच ना कोई कुछ मतलब कि उससे कोई वो कनेक्टेबल नहीं रहता है। लेकिन फिर भी अगर एक बार आप वो कमेंट पढ़ के इग्नोर कर दो, लेकिन आपको डेली डेली वही पढ़ना है तो मिलेगा। आपको मैं दिखा दूं, अयान को ही ले जाते हैं, ये तो पागल है, पता नहीं अंधा है क्या है, पता नहीं औरत हो तो तुम्हारे बच्चे नहीं है या फिर कोई और इंसान ही नहीं है, राक्षस हो, थोड़ा तमीज ले आओ, बच्चों को गाली दोगे तो जाहिर सी बात है सबको बुरा लगेगा, बहुत गंदा गंदा लिखते हैं। मैं एक दो अगर कमेंट दिखाऊं ना तो आपका ही मन ऐसा मन करेगा सामने आ जाए मुंह तोड़ दे, सच में इतना गंदा लिखते हैं, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। तो ये चीज है क्योंकि जो कुछ लोग सवाल पूछते हैं या किसी कुछ मन में शंका होती है या कुछ पूछना चाहते हैं या एक अपने हक से पूछते हैं दी बताए अपनी बताए, वो बात अलग है। लेकिन कुछ लोग इतने गिरे और बदतमीज होते हैं, उनका लहजा इतना खराब होता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में आए हैं, क्या चाहते हैं, कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं मुझे नहीं पता, इसीलिए नहीं जवाब देती कि मैं इग्नोर करती हूँ कॉमेंट को। आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो ब्लेसिंग देते हैं, चाहते हैं, आप लोग पूछते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं यानी बहुत नहीं एक आध लोग ही ऐसे होते हैं, लेकिन वो एक कमेंट नहीं करते हैं, उनकी आदत होती है कि वो 20 तो कमेंट टाइम निकाल के करके जाते हैं गंदा गंदा बोल के और डेली मतलब इस वजह से वीडियो हम लोगों का मिस हो जाएगा ना पहले, लेकिन वीडियो आता है ना तो वो कमेंट मिस नहीं होते तो इस वजह से। तो फिर यही बात हुई थी कि नंदनी को दिवाली पे जाना था, यही कन्फर्म हुआ था ना कि घर शिफ्ट हो जाएगा और मैं भारी काम और नहीं करूंगी। यहाँ जब आई थी ना तो मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि अयान के बिना आप कैसे रहते हो, अयान के साथ इतने अच्छे से रहते हैं, मुझे भगा दिया है क्या मौसी ने रखा। और नहीं कुछ लोग अच्छे भी कर रहे थे कि आप बहुत दिन से रमा दी के पास नहीं गए हो, कुछ दिन के लिए चले जाओ, अयान भी आपको बहुत मिस करता है, आपको वीडियो कॉल में देखा। फिर मेरे साथ मेरा भी मूड बन गया कि चलो एग्जाम हो गए मैं चली जाती हूँ, एग्जाम देके नंदनी मेरे पास नहीं आती तो अपने मम्मी पापा के पास जाती, क्योंकि एग्जाम देने के बाद तो वहाँ पे नानी नाना के पास नहीं रहती, फिर वो मम्मी पापा के पास जाती क्योंकि वो एग्जाम देने ही वहाँ पे जाती है। फिर वो वहाँ जाती तो वहाँ भी अपने घर पे अगर उसकी मम्मी को तकलीफ होती तो वो अपनी मम्मी की हेल्प कर रही होती, अपने पापा की हेल्प कर रही होती, तो क्या तब भी आप लोग यही कहते कि आपने काम के लिए रखा है, इसके मम्मी पापा को भी ब्लेम करते काम के लिए रखा है, काम करवा रहे हैं, काम के लिए बना रखा है, वो अपने माँ बाप की पूरी हेल्प करती, क्या उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो हेल्प नहीं करती है। मुझे ये नहीं समझ में आता जो लोग ये बोल देते हैं ना कि हाँ बस काम करते रहो, तो मैं काम करती हूँ माना कि अब बताओ इतने बड़े 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप कंटिन्यू पढ़ाई कर नहीं सकते हैं, बाहर जाके बता तो 9 बजे के बाद शाम तक क्या काम रहता है, कुछ काम नहीं रहता, ये खुद बोर होती है बैठ के। थोड़ा बहुत जो काम मैं ढूंढ लेती हूँ ना करती हूँ तो लोग उसी में मुझे बोल देते हैं कि काम कर रहे हो, और ये अगर मैं अपने घर में होती हूँ मम्मी के साथ यही काम करा रही होती तब भी आप लोग यही बोलते कि काम करने के लिए बनी हो क्या, काम कर रहे हो तब तो आप लोग नहीं बोलते। और वो एग्जाम के बाद वो अपने गाँव जाती, वहाँ पे भी एग्जाम ये कब जाती है, तो जब एग्जाम होते तब जाती, एग्जाम देके अपने गांव जाती, क्योंकि बीए में ही सिर्फ एग्जाम लेने वहां पे जाती है। तो बस मुझे एक महीना एक्स्ट्रा इसलिए रुकना पड़ गया था क्योंकि मेरे एग्जाम डेट आगे हो गई थी, इस वजह से मुझसे कुछ ना कुछ पढ़ती रहती होगी, पढ़ती है नहीं पढ़ती है वैसे तो अपने कमरे पढ़ती हर चीज में होती है पूरा ध्यान। तो इस टाइम पे भी वो वैसे भी अपने गांव में होती है, इस टाइम पे वो अपने वहां पे सिर्फ पेपर देने जाती है, महोबा जाती है तो सिर्फ पेपर देने जाती है एग्जाम के एक महीने पहले या फिर जब फॉर्म भरने होते हैं तब जाती है, उसके अलावा वो अपनी स्टडी करती है घर पे एग्जाम की तैयारी करके फिर बीए के एग्जाम देती है जाके। तो अगर मेरे पास नहीं आती तो इस टाइम पे वो अपने गांव पे भी होती, वहां पर वो कोई तैयारी नहीं कर रही होती, जो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने उसकी यहाँ पे पढ़ाई बंद करवा रखी है तो इस टाइम वो वैसे भी अभी उसके पेपर हो चुके हैं अपने गांव में होती, फिर से अगले सेशन में जब पेपर होते या फॉर्म वगैरह भरते तब ये दोबारा से वहां जाती। साथ साथ इसके माँ बाप कैसे है जो अपनी लड़की को भेज दिया, वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उनको भी घसीट लिया जाता है। तो अगर मैं बता दूं अयान के टाइम पे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, 9वें महीने तक मैं अपना घर का काम बिना मेड के, तब मेरे पास कोई मेड नहीं थी और मुझे जरूरत नहीं महसूस होती थी, हम दो लोग थे तो मैं आराम से घर का सारा काम कर लेती, यहाँ तक कि बैठ के झाड़ू पोछा भी लगाती थी, बैठ के पोछा लगाती थी, तब तो ये डंडे वाले पोछे भी नहीं आते थे, मैजिक मॉप वगैरह, तो मैं सारा काम घर का करती थी और 9वें महीने तक करती रही थी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई भी नहीं था उस टाइम पे हेल्प के लिए। फिर जब मेरी डिलीवरी होनी थी उसके जस्ट 2 दिन पहले
वो सडनली डिलीवरी हुई थी, मतलब नंदिनी की मम्मी आई थी उस टाइम मेरे पास में मेरी हेल्प के लिए, कोई भी नहीं था इधर पे, तो वो भी सिर्फ 2 दिन पहले। ये सोचो तैयारी बनते बनते, क्योंकि सबकी मजबूरी होती है, जब तक वो आई और उसके अगले दिन ही मेरी डिलीवरी हो गई थी, जबकि डॉक्टर ने थोड़ा आगे डेट दी थी, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की बनाई चीज कोई नहीं जानता, तो वो जल्दी हो गई थी। उसके बाद में 10 दिन वो मेरे पास हेल्प के लिए रही थी, उसके 10 दिन के बाद में मैंने खुद से अपना काम सारा किया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी इनके टाइम पे, तो मुझे लग रहा था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरी शिफ्टिंग हो जाएगी। दिवाली के टाइम आया उसे, ये क्या चलाया इसने, गाना नहीं लग रही है आवाज आ रही है बंद, तो मैंने डिलीवरी मैंने सोचा कि शिफ्टिंग हो जाएगी, उसके बाद में आयान से फिर आराम से नंदिनी अपने घर जाएगी, त्योहार कर लेगी। लेकिन जो लेटता है चलने फिरने वाला इंसान है, वो लेट जाता है, उसको कितनी प्रॉब्लम होती है मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत मुश्किल होता है। अगर मुश्किल नहीं होता तो मैं आराम से खा रही होती, तो अभी मैंने देखा था जाके मेरा 3 किलो वेट कम था, वो इसी वजह से, क्योंकि आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो आपका धीरे धीरे आपकी डाइट कम होती है, डाइट के हिसाब से वेट कम होता है, जबकि मेरा वेट अभी बढ़ना चाहिए था वो कम हो रहा था। तो मुझे डॉक्टर ने कुछ सप्लीमेंट वगैरह भी दिए कि आप दूध वगैरह ले सकते हो, ये सारी चीज़ें लो, और कुछ मेडिसिन भी बढ़ाई, कुछ और मल्टीविटामिंस दिए, बहुत सारी चीज़ें किए, तो ये प्रॉब्लम हुई थी जिस वजह से नंदिनी को मेरी हेल्प के लिए रुकना पड़ा। और फिर भी नंदिनी कहती कि मौसी मुझे जाना है, तो मैं उससे ज़बरदस्ती नहीं करती। अब मुझे लगता है आपको नंदिनी को लेके कोई सवाल नहीं होगा, अगर हो तब भी तो फिर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं हनुमान जी नहीं हूँ कि आपको सीना फाड़ के दिखाऊं, अपनी सच्चाई बताऊं, अपनी प्रॉब्लम बताऊं, क्योंकि जिसके पास कोई हेल्प के लिए नहीं होता है तो उसकी फैमिली का भी कोई ना कोई हेल्प करता है। हम सीना फाड़ के वीडियो नहीं देखेंगे। अरे ये लड़का भी छोटा सा है और मतलब वो कुछ जानता नहीं है, अनजाने मैंने देखा है, कुछ नहीं मिलता है तो इसको, यार को देखा है, मैं देखा है, एक दो को जवाब भी दिया है कि मुझे ही ऐसा लगता है कि मैं बहुत कष्ट कर रही हूँ या अपने ऊपर कष्ट ले रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं समझ में आता। हाँ थोड़ा सा, या फिर मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब मेरी फैमिली को मुझे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नंदिनी को यहाँ से भेज देना चाहिए था, मतलब इस तरीके से आप प्रेशर डाल के मेरे से बोल रहे थे। चलिए अब यही विराम दें, देखना भी है कॉमेंट भी करना है, अगर देखना है तो भाई ऐसे कॉमेंट मत करो जो आपके किसी को दिल को दिखाए, और नहीं देखना है तो बिल्कुल भी नेगेटिव आदमी मतलब वीडियो ना देखो, क्योंकि मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए आपकी, बस मेरे को दुआओं की जरूरत होती है, ब्लेसिंग की जरूरत होती है, आप किसी को खुशी नहीं दे सकते, दुख मत दो। लिखने में तो उतनी मेहनत लगती है ना, जितना टाइपिंग करने में आप नेगेटिव बातों को लगाते हो उतना ही पॉजिटिव, तो 2 शब्द पॉजिटिव लिख दिया करो, क्या बात है।